पबजी के बिना मेरी जिंदगी हो जाते हैं झंड, वाह 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 कि पबजी के बिना मेरी जिंदगी हो जाते हैं झंड। सोलो वर्सेस स्क्वाड में भी साला बोट मार लेता है मेरा गा। समझ रहे हो ना। हे गाइस, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं नूप किरानी और आप सबकी प्यारी रॉकिंग सुमी लेके आई हूँ एक बहुत ही मजेदार बेमिसल लाजवाब गेम प्ले वीडियो। तो वीडियो को पूरा अच्छे से वॉच करना क्योंकि आज मैं पहली बार करने वाली हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड। तो अभी मैं उतर रही हूँ पायलट प्लाजा में और यहाँ पे अभी मेरे साथ साथ उतर गए हैं और भी दो स्क्वाड। पता नहीं है अब मेरे साथ क्या होने वाले हैं। तो आगे क्या होते हैं देखने के लिए वीडियो को पूरा अच्छे से एकदम एंड तक वॉच करना। तो अभी मैं उधर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं कोई बाहुबली नहीं जो मैं खाली हाथ इतने सारे बंदे को मार दूंगी। तो पहले मैं इधर आऊंगी और यहाँ पे लूट सूट करके उधर जाके सारे बंदे को मजा चखाऊंगी। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना और आगे भी अगर ऐसी मज़ेदार गेम प्ले वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चले जाए। तो अभी इधर नीचे से गुलू गुलू का आवाज़ आ रही थी तो मैं नीचे आके देखी कि एक बंदा जो पेटी लूट रहा था। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे होते हुए कभी कोई पेटी लूट थोड़ी सकते हैं। मैं इतनी बड़ी लुटेरी यहाँ पे हूँ फिर भी ये लोग लूट रहा है, तो चलो अब मैं लूटती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ से लूटने जा रही थी तो देखी कि एक बोट भी आ गया लूटने। मतलब साला तुम सब चाहते क्या हो, हाँ फील करूँ मैं, साला मेरी पेटी है और मैं ना लूट के तुम सब लूटोगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो चलो यहाँ पे बहुत सारा पेटी है तो मैं एक एक करके लूट लेती हूँ सारे पेटी को। तो पेटी से भी लूट सूट करने के बाद जब मैं मेरी किल को सिक्योर करने आई तो मुझे पीछे से पड़ने लगी। पर पहले तो मैं किल सिक्योर करूँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे किल चोर है, मैं मर जाऊँगी कोई बात नहीं पर मैं अपनी किल लेके ही जाऊँगी। तो मैं मेरी किल को सिक्योर करने के बाद जब मैं इधर आई देखने की कौन साला मुझे मार रहा था, तो देखी कि एक बंदा एकदम घोड़े की तरह इधर उधर कहीं पे भी ना देख के एकदम सीधा दौड़ रहा था पेटी लूटने। मतलब क्या यार, हाँ क्या सब साला ऐसे पेटी लूटने बिजी है। तो जब मैं इसको मार रही थी तो मुझे ऊपर से भी मारने लगा, मतलब सब मिलकर मुझे ही मार रहा है और कोई नहीं है क्या मारने के लिए, सब साला मिलकर मुझे ही मार रहा है। तो जब मैं इसको देखने गई थी कि एक कौन है जो मुझे मार रहा था तो साला हो गया गायब। मैं ढूंढते ही रही कि कहाँ से मरा कहाँ है पर मुझे मिला ही नहीं ये बंदा, पता नहीं कहाँ पे गायब हो गया। अभी मुझे एक और किल सिक्योर करना है पर अभी मैं उस बंदे को नहीं मारूंगी क्योंकि ये अल्ट्रा प्रो है तो इसको रिवाइव करने के लिए उसका बंदा आएगा। तो देखो आ गया, तो चलो इसको भी मार देते हैं। तो ये भी हो गया नॉक, तो आप कर लूँगी मैं अपनी किल्स को सिक्योर। तो चार किल सिक्योर करने के बाद जब मैं पेटी सेटी लूट रही थी तो मुझे मिला एक बॉट प्लस बंदा प्लस प्रो प्लस कॉन्क्यूलर प्लेयर। तो चलो अब इसको करूँगी मैं शॉटगन से नॉक। तो यहाँ पे तो मिस्टर एलेक्स जी घुटनों पे आ गए, तो पहले मैं करूँगी किल को सिक्योर, उसके बाद मैं हीलिंग सीलिंग करके जाऊँगी फिर से पायलट प्लाजा के अंदर क्योंकि वहाँ पे अभी भी दो चार बंदा मौजूद है। तो हीलिंग सीलिंग करने के बाद जब मैं इसके ऊपर आ गई तो देखी कि नीचे एक बंदे का फुटस्टेप आ रहा है और जो मुझे ढूंढ रहा है नीचे, पर मैं नीचे अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि नीचे जाके मुझे भी ढूंढना पड़ेगा उसको और वो मेरा राम राम सत्य कर देगा। तो अभी मैं ऊपर ही बैठी रहूँगी और उसका आने का वेट करूँगी। तो बहुत देर तक लुका छुपी खेलने के बाद फाइनली वो बंदा ऊपर आ गया और मेरे हाथों से लॉबी जाने का टिकट काट लिया। आप सेकेंड गेम प्ले में देखना मैं उतर रही थी फैक्ट्री में। मैं बेसिकली एकदम लास्ट में उतरती हूँ क्योंकि लास्ट में एक दो बंदा कभी कभी ऑफलाइन मिल जाते हैं और फ्री का किल भी मिल जाते हैं साथ में, इसलिए मैं हमेशा लास्ट में ही उतरती हूँ। तो इन दो भाई साहब को लॉबी में भेज के फ्री का किल ले लेती हूँ। तो अभी मैं इस भाई साहब का जो भालू वाला ड्रेस है ये ले लूँगी क्योंकि ये वाली ड्रेस मेरे पास नहीं है तो मैं तो ज़रूर लूँगी। तो मैंने इसका ड्रेस ले ली और अब करूँगी लूट सूट। पर देखो ये भालू बहुत गुस्से में है, पता नहीं क्यों इसका फेस बहुत ही गुस्से वाला है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखने में। तो चलो अब करते हैं लूट सूट। तो आप इधर नीचे से दो चार बंदे की खटर खटर का आवाज़ आ रहे थे तो चलो इस भाई साहब को पहले लॉबी में भेजते हैं, फिर दूसरे भाई साहब का बारी है। पर ये दूसरा वाला भाई साहब पता नहीं कहाँ छुप गया मेरे आते ही, तो इसको ढूंढते हैं अभी। अरे ये कहाँ पे,
अच्छा तो तुम यहाँ पे छुपे हो। अरे भैया एक जगह पे खड़ा होकर फायर करो ना, इधर उधर लचक मचक करने की ज़रूरत ही क्या है। हाँ तो देखो यहाँ पे एक और बंदा आ गया, तो पहले मैं मेरी किल को सिक्योर कर लूँगी वरना मेरी किल चोरी हो जाएगी। तो आप बारी है दूसरे बंदे की। पर है कहाँ पे? अच्छा तुम यहाँ पे हो भैया, रुको रुको आप तुमको भी मजा चखाते हैं। अरे बाप रे ये तो लेट गया। तो चलो यहाँ पे मेरी 5 किल हो गई है और यहाँ पे अभी और कोई बंदा नहीं है, तो अभी मैं मलम पट्टी कर लूँगी फिर आगे की ओर जाऊँगी। तो फैक्ट्री से निकलने के बाद जब मैं इधर की साइड आई तो देखी कि यहाँ पे एक बंदा घोड़े बेच के एकदम आराम से सो रहा है। अरे भैया दुनिया बहुत आगे निकल चुका है और तुम यहीं पे अभी तक खड़ा हो, मतलब है क्या? हाँ है क्या, जब खेलना ही नहीं है तो तुम सब आते क्यों हो मैच में? खामोखा बस 60 पूरा करने के लिए आ जाते हो। अब तीसरे मैच में बारी आते हैं कंप्यूटर प्लेयर से मिलने की। तो आज मैं तुम सबको एशिया के 5 कंप्यूटर प्लेयर के साथ मिलवाऊंगी, बस मुझे छोड़ के। एक तो मैं हूँ और बाकी 5 के साथ मिलवाती हूँ। तो पहला जो है उसको देख लो। तो ये जो भाई साहब है इनका नाम है कोडियूर, सर में बाल नहीं है और पहनते हैं हाफ लूंगी। तो ये कंफ्यूज हो गया है कि इसको गोली पड़ रहा है कहाँ से, तो ये सोचते सोचते मैं इसको लॉबी में भेज दी। अब ये जो दूसरे भाई साहब है इनका नाम है मटन, तो इनको चिकन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये मटन लवर है। तो चलो इसको पबजी में हटा देते हैं क्योंकि पबजी में तो चिकन डिनर ही मिलते हैं। तो मैं इन भाई साहब को भी लॉबी में भेज दी। तो अब बारी है तीसरे भाई साहब से मिलना। तो तीसरे भाई साहब का नाम है गैसियो डेनिलो। अगर इसका नाम डेनिलो ना हो के डेनियल होता तो अब तो पबजी में भी मौज कर देती। समझ रहे हो ना। अब चौथा भैया का नाम है ओएसी, ये है मैराथन चैंपियन। कुछ भी हो जाए ये भागना बिल्कुल भी बंद नहीं करेगा। तो मैं आप तुम सबसे आज के लास्ट भैया से मिलवाती हूँ। इनका नाम है मिगुएल और इनको स्विमिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं आ गई हूँ एकदम लास्ट जोन में और अभी भी एक स्क्वाड बाकी है। तो वो देखो सब वो नीचे की ओर घूम रहा है बग्गी लेके और मुझे ढूंढ रहा है। तो देखो आप लास्ट में क्या होते हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।